गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि ग्रुप में एक मैसेज डाला हुआ है कि स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आप कैसे करोगे, उसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। वो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वयं पोर्टल पे किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक्चुअली स्वयं पोर्टल आप जानते हो क्या है? स्वयं पोर्टल एक्चुअली एक प्रकार का ऐसा पोर्टल है गवर्नमेंट का, जहाँ पर जाकर आप स्वतः अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं या एजुकेशन ले सकते हैं, कुछ लर्निंग कर सकते हो, सीख सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो। उसमें तमाम कोर्सेज जो हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हुआ या फिर जो भी आप अपने हिसाब से जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हो या स्वरोजगार रोजगार कुछ करना चाह रहे हो या कुछ सीखना चाह रहे हो, तो उसमें तमाम प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं। और कई कोर्सेज उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे चार्ज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कोर्सेज आपको सर्टिफिकेट लेना हो या कुछ करना हो, तो यहाँ पर ऐसी सुविधा भी है कि आप कुछ प्रकार कुछ मनी पेड करके उनके फीस भर के आप ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं और उसको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जिस प्रकार से ग्रेजुएशन पीजी पीजी की जो डिग्री मिलती है उसके उसके इक्विवेलेंट उसको मान्यता रहती है। ये तो आपको दिख रहा है स्वयं पोर्टल। आपको जाना है swayam.gov.in। बहुत सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है ना। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन इन रजिस्टर, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पूछ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, लेकिन आप यहाँ नीचे कर लीजिए साइन अप नाउ, ठीक है। अब मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको लिए एक बना के बता देता हूँ। जैसे यूज़र नेम मैंने लिखा संतोष 24, मैंने अपना एक पासवर्ड दे दिया ना। पासवर्ड लिखना है यहाँ पर, वो पासवर्ड को दो बार लिखना है, ठीक है। पासवर्ड आप ऐसा लिखें जैसे कि आपके वर्ड के दो बड़े अक्षर हो, दो छोटे अक्षर हो, जिसमें नंबर भी आ जाए, कुछ से सिंबल्स भी आ जाए, मतलब यहाँ कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पर कुछ अपना पासवर्ड, आप अपने हिसाब से बना लेना। जैसे ये बोल रहा है पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 एंड 64 करेक्टर, मतलब जो आप पासवर्ड बनाओगे कम से कम उसमें 8 करेक्टर होना चाहिए, है ना। उसमें नंबर आ जाएगा, शब्द आ जाएंगे, अक्षर आ जाएंगे, कुछ सिंबल आ जाएंगे, किसी प्रकार से भी आपको बनाना है, अपर लोअर का उसमें, तो पासवर्ड आप बना सकते हैं, कोई सी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं बना लेता हूँ, यूजर नेम तो अपने दिया था संतोष 24, ठीक है। पासवर्ड यहाँ लिखना है, और वही पासवर्ड जो मैंने लिखा उसको दोबारा से रिपीट करना है। मेरा इसमें ईमेल आईडी से एक बार रजिस्टर हो चुका है, फिर मैं दोबारा से अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। देखो क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम मैंने संतोष24 लिखा है, आप जो भी अपने हिसाब से लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद न्यू पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड आपको जो भी बनाना है अपने हिसाब से बना लेना। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा रेड अक्षर में कि क्या क्या लिखना है, और 8 कैरेक्टर होना चाहिए, 8 से 64 कैरेक्टर, जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है आप जो आपको याद रहे उस प्रकार से बना दो। तो पासवर्ड न्यू पासवर्ड बनाया, सॉरी न्यू पासवर्ड बनाया, उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड दोनों रिपीट करना है। और फिर यहाँ पर क्या करना है कि अपनी ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद अपन को यहाँ करना है सेंड वेरिफिकेशन कोड। अब ये सेंड वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपकी ईमेल आईडी में गया होगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी से वो जो कोड आया है अपनी ईमेल आईडी पहुंच जाएगा, उस कोड को वहाँ पर फिल करना। जैसे यहाँ लिखा स्वयं ओपन आईडी अकाउंट, ये मेरा जो आ गया है सोलह 16, यहाँ वेरीफाई कोड पर अपन क्लिक करेंगे।
यहाँ पासवर्ड सेव करने का बोल रहा है, सेव कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सेव कर लोगे तो बार बार दिक्कत नहीं देगा। तो ये येलो बटन दिख रही, क्रिएट, क्रिएट पे आप क्लिक कर देंगे। ये मेरे उसमें बोल रहा है अ यूजर विद द स्पेसिफाइड आईडी ऑलरेडी एक्सिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट वन। ये जो आईडी है यूजर नेम वाली, इस आईडी को चेंज करना है। तो आप इस प्रकार से करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। या आप ईमेल चेंज कर सकते हो, चेंज ईमेल करने का बोल रहा है ये। ये यूजर विद द एक्सपायर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट वन। ये देखिए मेरा मेरा आईडी बन चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना। हो सकता है अगर इस पे ईमेल आया हो तो, नहीं तो ईमेल तो आपको पासवर्ड के लिए वो करने के लिए भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है ना, और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर आप यहाँ यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, जो भी आपको कोर्स लिखना है, आप सब्जेक्ट लिख लो। जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर्च किया, इसमें तमाम कोर्सेस निकल जाएंगे या क्लासेस निकलेंगी। यहाँ पर आप पूरा सर्च कर सकते हो पोर्टल को, कुछ भी लर्न करने के लिए आप कर सकते हो। यहाँ पे इग्नू के क्लासेस देख सकते हैं इसमें। तो ये था रजिस्ट्रेशन करने का, मैंने जो आपको बताया, आप समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद जिस प्रकार से जो नए नए आपको सूचनाएं मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले लेना। ओके, थैंक यू।